बिल्कुल ठीक सबा, माशाल्लाह मैं वही सबको बताना चाहती हूँ कि सबा ने अपने करियर का आगाज कैसे किया, कितनी मेहनत से यहाँ तक का सफर तय किया, बहुत मेहनत से। और मैं सैलून में जाती थी, देखती थी ये औरत खड़ी हुई है लगी हुई है, मतलब एक शुरू होता है सैलून और बंद होता है तो बस सबा खड़ी हुई है अपने पैरों पे। देखो मेहनत अगर ना करें नेता तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हाउसवाइफ को बताना चाहती हूँ कि एक वर्किंग लेडी में है, ये घर भी संभालती, इनका घर भी साफ सुथरा होता है, लेकिन जब मैं इनके पास गई हूँ कभी नहीं हुआ कि ये मुझे बुरे हुलिये में नजर आई, हमेशा तैयार, चाहे बीमार भी हूँ तैयार, बाल बने हुए, हल्का फुल्का सा मेकअप हुआ हुआ, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। तो उससे मैं ये कहती हूँ कि खबर जब हस्बैंड्स घर आते हैं, हाउसवाइफ्स ने कभी जूड़े बांधे हुए, कभी बुरा हाल किया हुआ अपना। और नेता मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तैयार होना आपको अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के अगर तैयार ना हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपना डे ही नहीं स्टार्ट किया, एनर्जी नहीं आई है। अच्छा तैयार हो जाए आप तो आपको फौरन फील होता है कि यस रेडी टू गो, यस यस, ये बहुत ज़रूरी है। सबा आपके माशाल्लाह अंडर कितने सारे स्टाफ काम करता है और आज तक मैंने किसी लड़की से कोई एक मतलब लाइक सब बहुत अच्छे वे में आपको, क्योंकि मैं सैलून जाती हूँ आपको तो मुझे पता है सब इतनी तारीफ है आपकी माशाल्लाह कर रहे होते हैं, कितनी लड़कियों ने सीखा होगा सैप से। मेरा खाली अब तक कोई नेता हम थाउजेंड में तो जा चुके होंगे कितने लोग के चले गए उन्होंने सैलून किए, मेरे पास से तो जाने वाले मेरा ख्याल हर लड़की ने अपना सैलून बनाया है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि बड़ी अच्छी बात है कि देखो हमेशा हर इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि अगर कोई मेरे पास काम कर रहा है तो उसको बस मैं होल्ड करके बैठ जाऊँ और वो आगे ना बढ़े, उनको आसमान छूने का हक है। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव थॉट। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इन 15 खुश नसीब लड़कियों में से, क्योंकि आप खुश नसीब इसलिए हैं क्योंकि आप यहाँ सिलेक्ट होके आई, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे खवातीन में से आप लोग सिलेक्ट होके आए हैं, मैं आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने मेंटर्स को बुलाने के बाद। आप लोगों में से कोई 4 ऐसी खुश नसीब होंगी जो सभा के अंडर आएंगी और सभा उनको ट्रेन करेंगी, हेल्प करेंगी, पूरे 4 दिन सभा उनको हेल्प करेंगी। ग्रैंड फिनाले में सभा बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध लेंगी और सभा बन जाएंगी जज। उसके बाद ना तेरा ना मेरा सिर्फ जो आप सब में से मेरिट की बुनियाद पर टॉप पर होगा उसको सारे मेंटोर्स मिलके सिलेक्ट करेंगे। आइए मैं नेक्स्ट जो मेंटोर हैं उनको दावत देती हूँ यहाँ। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपना बेसिकली तो वो डॉक्टर बनने चली थी और डेंटिस्ट्री पढ़ भी ली, फिर उसके बाद उनको लगा कि ये तो मैंने कर ही लिया लेकिन मुझे कुछ और भी करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एक चीज़ करके खुश नहीं होते, उनको कुछ और भी करना है ज़िंदगी में, उनको ये ज़िंदगी कम लग रही होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। तो फिर वो आ गई मॉडलिंग में, मॉडलिंग के साथ फिर उन्होंने कहा नहीं यार ये भी नहीं, मुझे तो और भी कुछ करना है। फिर वो आ गई एक्टिंग में और यूँ करते 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 उन्होंने अपना सैलून खोल लिया, इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, इतने सारे ब्यूटिशंस के से मेकअप कराने के बाद, बहुत सारे कोर्सेस करने के बाद प्रोफेशनली जब उन्होंने सैलून खोला तो सभा और उनके बहुत सारे दोस्तों ने उनका बड़ा सपोर्ट भी किया और मतलब लाइक अच्छा लगा कि ये एक जिन्नुमा औरत जो है जिसको हम हमेशा बुलाते हैं और आपको बताते हैं वो जो भी काम करती है एट हर बेस्ट। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी। बीच में डिजाइनिंग शुरू कर दी और उसके बाद अब मेकअप भी लॉन्च कर लिया, तो इतने सारे काम पता नहीं कैसे ये करती हैं। और जब भी वो आती हैं इंस्पिरेशन देती हैं खवातीन को कि सर पकड़ के रोना नहीं चाहिए एक ही चीज़ को करने के लिए, आपको बहुत सारे काम करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, औरत जितनी मल्टीटास्किंग है शायद मर्द भी नहीं हो सकता। That's so-